बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलता है। अभी किसान आंदोलन के कारण क्या थे? तो इसके कारण है मेवाड़ रियासत, यानी मेवाड़ रियासत की ए श्रेणी का ठिकाना है बिजोलिया, और यह है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है बिजोलिया। राणा सांगा के सामंत अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीरदारी दी ऊपरमाल की जागीरदारी दे दी गई थी, और बिजोलिया इसी जागीरदारी का हिस्सा था। यहाँ के किसानों से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी और साथ में बेगार भी ली जाती थी, और किसानों पर अत्याचार भी होते थे। और बिजोलिया के किसानों में 60% धाकड़ जाति के किसान थे, और 1894 तक जागीरदार राव गोविंद दास की किसानों के साथ में अच्छी बनती थी, लेकिन 1894 के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, गोविंद दास की मृत्यु के बाद 1894 में नया जागीरदार आता है किशन सिंह बना, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को जन्म दिया। तो अब बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चलता है। तो सबसे पहला पहला चरण चलता है 1897 से लेकर 1915 तक। 1897 में भीलवाड़ा के गांव है गिरधरपुरा, इसमें गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु भोज पर धाकड़ जातियों को आमंत्रित किया जाता है, इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर साधु सीताराम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, और इसकी शिकायत महाराणा फतेह सिंह को भेजी जाती है, और इस शिकायत लेकर जाते हैं नानाजी और ठाकरी। नानाजी और ठाकरी दो पटेलों को उदयपुर भेजा जाता है महाराणा फतेह सिंह से शिकायत करने के लिए। अब महाराणा फतेह सिंह इस शिकायत की जांच करने के लिए हामिद हुसैन को बिजोले भेजता है। शिकायत सही पाई जाती है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। फिर इसके बाद में जो किशन सिंह जागीरदार है, ये दोनों पटेलों को जागीरी से निकाल देता है जिन्होंने शिकायत की थी, जो शिकायत लेकर के गए थे। फिर इसके बाद में जो राव कृष्ण वो किशन सिंह है, 1903 में किसानों पर एक कर लगाते हैं शबरी कर, और इस शबरी कर का ये नियम था कि जो भी किसान अपनी लड़की की शादी करेगा, उसको अपनी लड़की की शादी के दौरान 5 रुपये चबरी कर के रूप में ठिकाने को देने पड़ेंगे, यानी सरकार को देने पड़ेंगे, जागीरदार को देने पड़ेंगे। तो फिर किसानों द्वारा चबरी कर का विरोध किया जाता है, और 1904 में ही चबरी कर वापस ले लिया जाता है, और कुछ लाग बाग में भी छूट दे दी जाती है। फिर इसके बाद में 1906 में नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह, और उसने तलवार बंदी कर लगा देता है, तथा 1904 में दी गई रियायतों को फिर से समाप्त कर दिया जाता है। तो 1906 में पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बनता है और तलवार कर लगाता है, साथ में जो भी रियायतें दी गई थी 1904 में वो सब फिर से समाप्त कर दी जाती है। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र बनता है केसरी सिंह जागीरदार बनता है, जो अल्पवयस्क है, और महाराणा फतेह सिंह या फिर महाराणा अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त कर देता है। प्रशासक ने किसानों को अनेक प्रकार की रियायतें दे दी, परंतु ठिकाने के कर्मचारियों ने रियायतों को लागू नहीं किया। फिर 1914 में चित्तौड़ में एक सभा का आयोजन किया जाता है, यानी कि अधिवेशन, जिसका नाम है विद्या प्रचारिणी सभा। अब इस सभा में साधु सीताराम विजय सिंह पथिक को आमंत्रित करते हैं। विजय सिंह पथिक का नाम इस समय भूप सिंह था, और ये बुलंदशहर से आए थे उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश जिले के गुड़ावली गांव के रहने वाले थे।
भूप सिंह रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। इस कारण राजस्थान सरकार को या मारवाड़ सरकार को इसको पता चला और उन्होंने भूप सिंह को पकड़ करके अजमेर की टोटगढ़ यानी ब्यावर जेल में डाल दिया। अब कुछ समय बाद वो जेल में रहे, फिर वो वहां से भाग जाते हैं और अपना नाम भूप सिंह से बदल करके विजय सिंह पथिक कर लेते हैं और वे राजस्थानी तौर तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा चरण शुरू होता है 1916 से 1922 तक चलता है। फिर 1916 में साधु सीताराम की अध्यक्षता में एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है और इस किसान पंच बोर्ड का लक्ष्य ये था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे। फिर 1916 में ही विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, यानी किसान पंचायत का नाम ही है उपरमाल पंच बोर्ड, और इसकी स्थापना की और मन्ना पटेल को इसका सरपंच बना दिया गया। माणिकलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे इसी पंचायत के तहत। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को उग्र करने के लिए लखनऊ के गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया। फिर इस आंदोलन की खबर मेवाड़ सरकार को पड़ी तो उन्होंने 1 अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया, जांच आयोग बिठाई और जांच आयोग में पाया कि सारे के सारे जो शिकायतें हैं किसानों की वो सही है, परंतु मेवाड़ सरकार फिर इन पर कोई ध्यान नहीं देती, दूसरी बार भी कोई ध्यान नहीं देती। अब ऐसी स्थिति को देख करके विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा यानी महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी और 1922 में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र में फिर से प्रकाशित किया और पूरे देश में फैला दिया आंदोलन को। इस बात को देख करके दिसंबर 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसी बात को 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, और विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किसान आंदोलन को अधिवेशन में प्रस्तुत किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को देखते हुए अपने निजी सचिव सचिव महादेव देसाई को भेजा और इस तरह से इस घटना से प्रभावित होकर के ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया और बिजोलिया उसको भेजा, और यह बिजोलिया पहुंची थी 4 फरवरी 1922 को। अब इसमें जो सदस्य थे, एजीजी राजस्थान के एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, एजीजी सचिव कर्नल ओलाग ओगालवी, और रेजिडेंट उदयपुर के रेजिडेंट थे बिल्किंसन, और उदयपुर के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, और सीमा शुल्क हाकिम थे उदयपुर के ही थे बिहारी लाल कौशिक थे, और इन सदस्यों की समिति गठित की और बिजोलिया भेजा। और जब यह कमेटी बिजोलिया पहुंची तो इनकी वार्ता के लिए किसानों की ओर से, किसान पंचायत की ओर से सरपंच मोतीलाल मन्नीलाल मन्नी नारायण पटेल और राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी एवं माणिक लाल वर्मा को वार्ता के लिए नियुक्त किया गया, और ठिकाने की ओर से कामदार हीरालाल, फौजदार तेज सिंह और झालम सिंह को नियुक्त किया गया। एजीजी हॉलैंड के प्रयत्न से ठिकाने और किसानों के मध्य 11 जून 1922 को समझौता हो गया था, और इस समझौते में और यह समझौता किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी, और इस समझौते में 35 लागों को माफ कर दिया गया, लेकिन ये लागें स्थायी नहीं रही थी, ठिकाने ने इन लागों को लागू ही नहीं किया। फिर इसके बाद में 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को मेवाड़ सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया।
ऐसी स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा के हाथों में चला जाता है। फिर तीसरा चरण चलता है 1923 से 1941 तक। 1926 ईस्वी के बंदोबस्त में लगान की दरें बहुत ज्यादा कर दी गई थी और मई 1927 में किसान पंचायत के निर्णय के अनुसार किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ दी। फिर इसके बाद 1927 में 5 वर्ष की जेल काटने के बाद विजय सिंह पथिक फिर से आते हैं रिहा होकर के, और माणिकलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है और वो बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ देते हैं विजय सिंह पथिक। फिर माणिकलाल वर्मा के आग्रह पर जमना लाल बजाज बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं और उनका संचालन करते हैं हरिभा उपाध्याय। किसानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों को ठिकाने नील यानी जो ठिकाना है मेवाड़ ठिकाना, इसको नीलाम कर देता है, तो किसान उस जमीन को वापस मांगते हैं। तो किसान अपनी जमीन को वापस मांगते हैं और वो देने से इनकार कर देते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करते हैं किसानों पर जमींदार। फिर इस बात को देखते हुए मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य ने तत्काल ही राजस्व मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को आदेश भेजा कि वो जाकर के किसानों और माणिकलाल वर्मा से वार्ता करें और इस वार्ता में आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है 1941 में। और वार्ता होती है और इस वार्ता में जो नीलाम की हुई जमीनें हैं वो किसानों को वापस दे दी जाती है और 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। और यह आंदोलन देश का प्रथम किसान आंदोलन था और सबसे लंबा चला था। और इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो यह था हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन 1900 सॉरी 1897 से लेकर 1941 तक।